नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आज हम बनाएंगे बेसन से चटपटा नाश्ता। मैंने हरे धनिया की चटनी तैयार कर ली है। मैंने उबले हुए आलू ले लिए और उसमें धनिया डाल दिया हरा और मसाले डाल दिए। आप देखिए, मसाला डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिला लिया। नाश्ते के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब मैंने बेसन का आटा ले लिया है और इसमें नमक और मिर्ची, थोड़ी हल्दी डाल दी। आप देखिए, इसमें हरा धनिया डाल दिया। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, इसको हम थोड़ा पतला रखेंगे, गर्मी के मौसम में ज़्यादा बेसन। अब देखिए, बेसन का जो लेप है कितना हल्का हो गया है। अब हम बनाएंगे ब्रेड रोल। मैंने दो ब्रेड ले लिए हैं, इनको कोनों से ब्रेड को काट देंगे। हम ब्रेड के ऐसे ही चारों कोने से काट देंगे। अब मैं दूसरे ब्रेड को भी ऐसे ही काट लूंगी। अब हम ब्रेड को आलू और धनिया की फिलिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने पहले से आलू की फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी। हम ब्रेड को आलू से अच्छी तरह से भर देंगे ताकि कुरकुरा बन जाए। अब देखिए, मैंने ब्रेड को अच्छे से भर दिया है। हमारा ब्रेड पूरे तरीके से तैयार है। अब हम दूसरे ब्रेड को ऊपर ढक देंगे। अब हम इसे अब हम इसको बेसन की लिप में डाल देंगे। अब हमने ब्रेड को बेसन की लिप में डाल दिया। अच्छे से ब्रेड को लगा लेंगे। मैंने ब्रेड को कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब देखिए, हमारा जो ब्रेड है पकना शुरू हो गया। अब हम इसे पलट देंगे। ऐसे ही हम अब दूसरा ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। आप देखिए, पहला ब्रेड तैयार हो चुका है और दूसरा डाल दिया है। अब देखिए, हमारे दोनों ब्रेड तैयार हो चुके हैं। मेरी बेटी की फरमाइश है, उसे बड़ा खाना है। अब मैं आलू का बड़ा बनाऊंगी।
मैंने आलू को गोल शेप में बना लिए हैं। अब हम इसे ब्रेड से कवर कर देंगे। अब हम दोनों को बेसन की लिप में डाल देंगे, बेसन से कवर कर देंगे। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। धीमी आंच पे दोनों घड़ों को पका लिए हैं। हल्का हल्का इसे हिलाते रहेंगे ताकि दोनों बड़े एक दूसरे से चिपके ना। अब हमारे बड़े तैयार हैं। अब हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने दोनों बड़ों को निकाल लिया है। अब हमारा नाश्ता तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब देखिए हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हम हरी मिर्ची रखेंगे ताकि खाना और भी चटपटा लगे। अब हमारी चटनी आएगी जिसके बिना हमारा नाश्ता अधूरा है। अब हम देंगे इसको नींबू का थोड़ा सा चटकारा। हमारा नाश्ता अब रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया।